गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 द मिटन्स आपसे डिस्कस करेंगे और उसकी रीडिंग आपको कराएंगे। बच्चों, इस चैप्टर में एक बच्चे की कहानी है जो अपने लिए मिटन्स जो है वो बनवाता है और अपनी जो ग्रैंड मदर है उनसे कहता है वो उसके लिए मिटन्स बनाए। तो चलिए बच्चों, इस इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है उसे हम रीड करना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड निक्की। एक बार की बात है कि एक लिटिल बॉय यानी छोटा बच्चा जिसका नाम क्या था, निक्की था। ही आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर टू मेक हिम अ पेयर ऑफ मिटन्स टू कीप हिज हैंड्स वार्म इन द स्नो। बच्चों, इसमें मिटन मीन्स होता है अ पेयर ऑफ ग्लव्स, यानी ग्लव्स का जो पेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिटन्स कहते हैं। वार्म मीन्स गर्म और स्नो मीन्स बर्फ। तो जो निक्की नाम का बॉय है उसकी ग्रैंड मदर है और वो उससे कहता है कि वो उसके लिए एक जो मिटन्स हैं उसका पेयर बना के दें ताकि जो उसके हैंड्स हैं वो क्या रहें, वार्म रहें, गर्म रहें जब बर्फ पड़े। ओके, ठीक है, आई विल मेक यू रेड मिटन्स, मैं तुम्हारे लिए रेड कलर यानी लाल रंग के जो मिटन्स हैं वो बनाऊंगी, सेड हिज ग्रैंड माँ, उसकी ग्रैंड माँ ने कहा यानी दादी जी। बट ग्रैंड माँ आई वॉन्ट वाइट मिटन्स, लेकिन निक्की कहता है कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए वाइट मिटन्स बनाए। नो नो नो, इफ़ यू ड्रॉप अ वाइट मिटन इन द स्नो, अगर तुम व्हाइट मिटन को स्नो यानी बर्फ में गिरा दोगे, यू विल नेवर फाइंड इट, तुम इसे ढूंढ नहीं पाओगे। फाइंड मीन्स ढूंढना, सेड ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ ने कहा। बट, परंतु, ग्रैंड माँ आई वॉन्ट व्हाइट मिटन्स, लेकिन मैं व्हाइट मिटन्स चाहता हूँ, प्लीज रिक्वेस्टेड निक्की, प्लीज करके आप उन्हें बनाइए, रिक्वेस्टेड निक्की। निक्की ने रिक्वेस्ट करके अपनी ग्रैंड मदर को कहा। सो निकीज ग्रैंड मदर मेड व्हाइट मिटन्स फॉर हिम, इसलिए निक्की की ग्रैंड मदर यानी दादी जी ने उसके लिए व्हाइट मिटन्स बना दिए। निक्की पुट ऑन द मिटन्स, निक्की ने उन्हें पहना एंड वेंट आउटसाइड टू प्ले इन द स्नो, और आउटसाइड यानी बाहर, प्ले मीन्स खेलना, इन द स्नो बर्फ में बाहर खेलने चला गया। एज ही प्लेड निक्की लॉस्ट वन ऑफ हिज मिटन्स, जब वो खेल रहा था तो वो उसने अपना एक मिटन जो है वो क्या कर दिया, लॉस्ट मतलब खो दिया। अ मोल फाउंड द मिटन, मोल होता है बच्चों जो मिट्टी में रहने वाला जो कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मोल। तो फाउंड द मिटन, उस मिट्टी के जो कीड़े ने उस मिटन को क्या कर लिया, ढूंढ लिया। एज द मिटन लुक्ड क्वाइट वार्म, जैसे ही मिटन उसको थोड़ा सा गर्म दिखा, एंड कंफर्टेबल और आरामदायक, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, द मोल क्रॉल्ड इन टू इट, जो मोल है वो क्रॉल करके यानी रेंग कर उसके अंदर चला गया। द मोल वॉज अबाउट टू गो टू स्लीप, मोल वहाँ जो इंसेक्ट है वो वहाँ सो जाता है। आई जस्ट देन अ रैबिट केम बाय एंड क्रॉल्ड इन टू द मिटन, जस्ट देन तभी एक रैबिट यानी खरगोश आता है और उस पर क्रॉल्ड इन टू द मिटन और मिटन के अंदर क्रॉल करके रेंग के चला जाता है। अ फॉक्स वाज पासिंग बाय, फॉक्स यानी लोमड़ी वाज पासिंग बाय, वहाँ से गुजर रहा था, एंड सॉ द मिटन, उसने भी उस मिटन को देखा। कैन आई कम इन, अब वो पूछ रहा है कि क्या मैं इसमें आ सकता हूँ। Asked the fox, fox ने कहा, the mole and the rabbit almost said, no, जो mole था और rabbit था उन्होंने इतना कह ही दिया था कि नहीं नहीं आना, but लेकिन it was cold, बहुत सर्दी थी, and you are always supposed to share, और जो rabbit है वो ये कहता था कि आप तो sharing में भरोसा रखते हैं यानी साझेदारी में आप भरोसा रखते हैं, तो आप मेरे को no क्यों कह रहे हैं। सो दे सैड ओके, इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है, यू कैन कम इन, यू कैन फिट, अगर तुम फिट होते हो तो तुम आ जाओ। सून, जल्दी ही, सून मीन्स जल्दी। अदर एनिमल्स क्रॉल्ड, दूसरे जो एनिमल्स हैं वो भी क्रॉल करके यानी रेंग के आते हैं इनसाइड द मिटन टू
टू स्टे वार्म, गर्म रहने के लिए मिटन के अंदर क्रॉल करके यानी रेंग के आ जाते हैं। फर्स्ट देयर केम अ हेजहॉग देन एन आउल। पहले नंबर पर एक हेजहॉग यानी जंगली जो चूहा होता है जिसके बहुत लंबे लंबे बच्चों, जंगली जो चूहा होता है उसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं उसके ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेजहॉग है वो आता है, देन एन आउल, फिर एक उल्लू आता है, देन अ बियर, फिर एक बियर यानी भालू आता है, एंड फाइनली और लास्ट में अ माउस, एक चूहा आता है। द माउस टर्न अराउंड एंड टिकल द बियर्स नोज। द माउस जो है यानी चूहा जो है वो मुड़ता है पीछे और टिकल द बियर्स नोज, जो भालू है, टिकल मीन्स गुदगुदी करना, भालू की जो नोज है उसको गुदगुदाता है। सडनली अचानक द बियर स्नीज्ड, तो जब उसकी नोज पर वो गुदगुदी कर रहा है तो बियर को क्या आ जाती है, छींक आ जाती है। स्नीज मीन्स छींकना, उसने छींका। आ छू, ये साउंड है बच्चों छींक का, ये किसका साउंड है, आ छू, ये चीक का साउंड है। द एनिमल्स आल फ्लू आउट ऑफ द मिटन, सभी जो एनिमल्स हैं वो बाहर आ गए, किसके कारण, उसकी चीक के कारण। द मिटन वेंट फ्लाइंग इन द एयर, जो मिटन है वो हवा में उड़ने लगा, एंड फेल नियर निकीज हाउस, और निकी जो लड़का था जिसके ये मिटन थे उसके घर के पास जा गिरा। निकी सा हिज मिटन, निकी ने अपना मिटन देखा, ही वॉज ग्लैड टू हैव इट बैक, वो ग्लैड मीन्स खुश होना, इसे पाकर वो बहुत खुश हो गया। द बियर लैंडेड इन अ केव, जो बियर था वो अपनी केव में चला गया, गुफा में चला गया, एंड वेंट टू स्लीप, और वहाँ सो गया। द फॉक्स लैंडेड इन अ होल, जो फॉक्स था वो भी अपने होल में चला गया, एट द बॉटम ऑफ अ ट्री, जो कि एक पेड़ के नीचे था, बॉटम मतलब तला नीचे, एंड वेंट टू स्लीप, और सो गए। द रैबिट लैंडेड ऑन सम ग्रास, जो भाल जो रैबिट था वो घास में लैंड कर गया और वहाँ पर सो गया। द मोल लैंडेड इन हिज बूरो एंड वेंट टू स्लीप, और जो मोल था, जो इंसेक्ट था, जो ग्राउंड इंसेक्ट होते हैं उन्हें मोल बोलते हैं, तो जो वो इंसेक्ट था वो भी अपने बूरो यानी उसका जो घर था उसमें चला गया और वहाँ सो गया। एंड द माउस, लास्ट में जो माउस है, द माउस इज स्टिल लुकिंग फॉर अ होम, जो माउस है वो अभी भी अपने घर को देख रहा है, ढूंढ रहा है। ही माइट ट्राई टू गेट इन टू योर्स, वो अपने आप इसको ढूंढना चाहता है। तो बच्चों ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें एक बच्चे ने अपनी ग्रैंड माँ से जो मिटन्स थे यानी एक प्रकार का ग्लव्स होता है वो उन्होंने तैयार कराए। उसने डिमांड की कि वाइट ग्लव्स ही होने चाहिए, तो उसकी ग्रैंड माँ ने उसके लिए बना के दे दिए। तो इस स्टोरी में बच्चों क्या हुआ कि उस बच्चे के जो ग्लव्स हैं वो लॉस्ट हो गए, और उसके बाद जो बहुत सारे एनिमल्स इस स्टोरी में यूज़ हुए थे उन्होंने इसमें रहने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में अपनी गलती से वो क्या हो गया, वो उसकी बियर की जो चीक थी उससे वो मिटेंस है वो उड़ गया और सभी जो एनिमल्स हैं वो अपने अपने घर में चले गए। सो बच्चों ये जो स्टोरी थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, आई होप आप सभी को समझ आई होगी। तो अभी के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।